जवाब पाया। तेरा शराब पाया। और आज हम सब पूछ रहे हैं एक सवाल, इज सिद्धार्थ शुक्ला द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन बिग बॉस, इज ही द गोट ऑफ बिग बॉस। इस सवाल को पूछने के मायने और वजहें बहुत सारी हैं, पर एक छोटी सी वजह बिग बॉस 14 जो अपने आप में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, जिसको लोग नहीं देखना पसंद कर रहे थे, जिसकी TRP बहुत ही डाउन चल रही थी, जो टॉप 10 में भी नहीं था, पर जब ओमैक्से ने आज अपनी लिस्ट जारी की टॉप 10 सीरियल्स की फॉर द वीक, तो उसमें बिग बॉस का नाम आया। उसकी वजह थी सिद्धार्थ शुक्ला का वीकेंड का वार होस्ट करना। जी हाँ, इस बार वीकेंड का वार पर सलमान खान नदारद थे, उनकी जगह सिद्धार्थ शुक्ला ने ली। उसके बावजूद ऐसी लाइकेबिलिटी या रेटिंग आना अपने आप में दर्शाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को लोग स्क्रीन पे कितना लाइक कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं जो पहली बार हमें देखने को मिला है, ऐसा बहुत बार हो चुका है जब से उन्होंने बिग बॉस सीजन जीता है। चाहे वो भुला दूंगा सॉन्ग हो जो 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है, चाहे वो शोना शोना सॉन्ग हो जिसे 2 महीने में 95 मिलियन पर है, तुमको मैं भुला दूंगा, दिल तोड़ने की ये सजा दूंगा, तेरा बदन पूरा तेरा इलाका मैंने न झांका, मन तू लिट्टी काका, मैं डाकू नहीं हूँ न डालूंगा डाका, पर हर सर्दी में गर्मी में जाड़े में बारिश में तुम मेरी होना, शोना मेरी शोना शोना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की फैंडम, उनकी लाइकेबिलिटी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कितना मायने रखती है लोगों के लिए आज के दिन में। और बहुत से विनर्स आए हैं, बहुत से कंटेस्टेंट आए हैं बिग बॉस में। अगर मैं कुछ नाम लूँ तो वो हिना खान, गौहर खान, गौतम गुलाटी, जिनकी फैंडम बहुत तगड़ा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया उस लेवल पे जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला ने किया। कहीं ना कहीं इसकी वजह उनके फैंस की लॉयल्टी है उनको लेकर। चाहे आज बिग बॉस 14 क्यों ना चल रहा हो, बट अब भी बिग बॉस 13 ट्रेंड करता है, अब भी सिद्धार्थ शुक्ला ट्रेंड करते हैं। अगर कोई ऐसा इवेंट बिग बॉस 14 में होता है जो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला से रिलेट अगर हो, या सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ ऐसा किया हो, तो उसकी बात होती है, उसकी चर्चा होती है। क्या वजह है कि बिग बॉस 14 में भी सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर आते हैं, चाहे वो राहुल वैद्य हो, निक्की तंबोली हो, अभिनव शुक्ला ही क्यों ना हो। ये वजहें यही दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने एक नए मुकाम और आयाम हासिल कर लिए हैं, और वो अपने फैंस के प्रति दृढ़ निश्चय से काम भी कर रहे हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वो कंटिन्यूसली ले रहे हैं, जैसे कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 आने ही वाला है, इसको मेकर्स ने होल्ड कर लिया है पीछे उस एंटिसिपेशन को और बिल्ड करने के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कैसे सिद्धार्थ शुक्ला की पॉपुलैरिटी को वो बढ़ा सकते हैं अपने सीरियल्स, अपने प्रोग्राम्स, अपने गानों के लिए। और यही नहीं, बिग बॉस 13 के भी कंटेस्टेंट रश्मि, पारस, माहिरा, आसिम, जिनका फैंडम बहुत अच्छा था उस प्रोग्राम के टेलीकास्ट के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला की तरह ही, बट वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए जिस तरह सिद्धार्थ शुक्ला ने किया। इसकी वजहें हैं सिद्धार्थ शुक्ला का ऑरा, उनका करिश्मा जो उनको उनके फैंस के साथ कनेक्ट करता है। आज के दिन हम देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हो गए हैं। उन्होंने जो बातें बिग बॉस के घर के अंदर बोली, जो स्टैंड बिग बॉस के घर के अंदर लिए, वही बातें, वही स्टैंड वो आज भी लेते आ रहे हैं। उन्होंने एक करेक्टर होल्ड नहीं करा केवल बिग बॉस के घर के अंदर, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने उस चीज़ों को बाहर भी दिखाया कि वो उन्हीं चीज़ों के लिए स्टैंड करते हैं, उन्हीं चीज़ों पे कायम हैं। आज जो दोस्ती उन्होंने बिग बॉस में शुरू की थी, वो दोस्ती वो आज तक निभा रहे हैं, उस सिद्धार्थ हैशटैग को जस्टिफाई वेरीफाई करते हुए कि वो दोस्त बनाते हैं तो सच्चे बनाते हैं, दिल से बनाते हैं। यही बहुत सी उन वजहों में से एक वजह है कि लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं। उनके फैंस उनके लिए पागल हैं, उनके फैंस उनको ट्रेंड करते हैं,
और जैसे कि मैंने बताया ही इज द बीबी गोट बिकॉज वो जो कर रहे हैं या जो मुकाम वो हासिल कर रहे हैं वो शायद ही कोई कंटेस्टेंट बीट कर पाए। और बिग बॉस 14 से जितनी निराशा हमें हुई है, उम्मीद करते हैं कि शायद सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री के बाद अब लोग बिग बॉस 14 को देखना शुरू करें और उसकी पॉपुलैरिटी और टीआरपी थोड़ी सी बढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।